न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव से निकले नेशनल हाईवे 34 का है, जहां अज्ञात ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रॉली में बैठे एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी नेशनल हाईवे 34 कई लोगों की जान ले चुका है। अक्सर इस हाईवे में हादसे होते रहते हैं, इसी वजह से नेशनल हाईवे 34 खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। इसमें जो लोग सफर करते हैं वो अपनी जान को हथेली पर रखकर सफर करते हैं। नेशनल हाईवे 34 डिवाइडर न होने से हादसों की वजह बना हुआ है। हमारा कार्यक्रम था, बांदा के जमालपुर से आए थे ये लोग। नारायणपुर गांव के पास में उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिससे लगभग 13-14 लोग आ गए यहाँ, जिनमें 3 की हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर और डंपर के बीच में, जिसमें डंपर वाले ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे 15-16 लोग वहाँ पर घायल हो गए, जिससे हम 304 एम्बुलेंसों से मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जो कि 2-4 की हालत नाजुक है, हो सकता है वो कानपुर के लिए रिफर हो। भैया घटना भी हुई है कि वहाँ से ट्रैक्टर जो नारा करवाने हमारी बहन आ रही थी गांव नारायणपुर, तो रास्ते में गांव के बस में थोड़ा भी क्रॉस करना था, तो ट्रैक्टर को पीछे से ट्राली में ट्रक वाले टक्कर मार दिया, तो ट्राली गई पलट, तो सारे लोग घायल हो गए। करीबन कितने लोग घायल हैं? 15 लोग घायल हो। तो ट्रक क्या पकड़ा गया? ट्रक वाला हमने पता नहीं, पकड़ा नहीं गया, भग गया।